गाइस वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 4K में और देखते हैं 4K का रिस्पांस कैसा रहता है, मतलब 4K वाइड एंगल और 60 FPS समथिंग। तो ये रिकॉर्डिंग मतलब 4K में करके आज का पूरा ब्लॉग बनाने वाले हैं, 4K में बनाएंगे और इसको कोशिश करेंगे एडिट करने की लैपटॉप में। मतलब मैंने कुछ अपग्रेड करवाया है तो आई होप, मतलब चलती थी वीडियो पहले भी लेकिन थोड़ी सी हैंग होती थी, तो आई होप इस बार हैंग ना हो, है ना। तो फिलहाल सामने आलू बोए जा रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखो बोए जा रहे हैं आलू, दवा वही आलू बोले हैं, दवा ही बोलते हैं। ये पूरा खेत लगाओगे या कैसे लगाओगे? आधे में उतने में लगाओ जितने पिछली बार लगाए थे। पिछली बार उधर तक रहा शायद, इधर इधर कम। ये देखो बाबा लगा रहे हैं आलू, देखना इसको यूट्यूब पे आएगा। लगा लगा, पिछली बार तो मैंने भी लगा के बनाया था एक वीडियो। तो इस टाइम तो आलू महंगा हो गया ना, आलू बड़ा महंगा हो गया। कल गया था 25 रुपये 30 रुपये किलो आलू हो गए, 40 रुपये। यहाँ तो फिर सही है भाई, और बाहर तो महंगा हुई। Hey guys, welcome back to the vlog। तो अभी जो है आज है नेक्स्ट डे और अभी हम जा रहे हैं रामपुर, हमारा खेत करने वाला है तो वहाँ से लाने जाएंगे गाड़ी लेके अपने धान। और ये देखो इंजल इधर नहा रही है, ये देखिए इंजल भी नहा रही है। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं रामपुर और चल के वहाँ से लेके आते हैं धान वान। अभी हो सकता है दो मशीन चल रही हो खेत में तो वो भी दिखाएंगे और अपना खेत भी दिखाएंगे, कई बार से दिखा चुका हूँ वीडियो में लेकिन फिर से दिखाएंगे, है ना। तो सीधा मिलते हैं रास्ते में, आ जाओ अब जाओ तरिया तुरियो लेके जाओ। पैरा कहा मिले तब तब तक काट के हम बिथरा दे खेत में, पैरा मोल लिया के पारी का करी, नहीं कहा के मोल लिया पड़ता है। चलो तो टाटा बाय बाय सब लोग। एंजल अच्छी परेशान करती। तो दोस्तों यही वो मशीन है इससे हम लोग धान कटवाएंगे और ये जो रोड देख रहे हैं यहाँ से बैक करके ये डाला में लेके आया, मतलब पूरा बैक में ही लाना पड़ा, वहाँ से आगे जो रोड है वहाँ से पूरा बैक करके लाना पड़ा और वो आगे खेत है वहाँ कटवाएंगे। बोलो किनारे किनारे लेके आए, बीच में से ला रहे हैं मम्मी, किनारे किनारे लाने के लिए बोलो। किनारा कहाँ एक
से पैरा गिराती जा रही है आगे से। किनारा तो काट ही नहीं रहे देखो हैं? धूल धूल हो चुकी है हम लोग भी काम कराने के चक्कर में और काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है। और ये देखिए धान का जो भूसा है वो भी हमें दिया जा रहा है। खेत जो है वो कट चुके हैं और अब जो धान है वो गाड़ी से मतलब जो डाला है मेरा जो मैं लेके आ रहा हूँ उसमें ये लोग डालेंगे। बढ़ाओ लेकिन परसों काट देना भूलना नहीं। बहुत दिक्कत हो रहा है काट देने। चलो अच्छा बढ़ा बढ़ाओ आगे दोस्तों। एक काम हो गया मतलब जो खेत था वो कटा तो लेकिन वो सिर्फ मतलब चार टुकड़ों में है खेत एक ही लाइन से चार टुकड़ों में। तो पहला ही टुकड़ा कटा है और आगे के जो तीन टुकड़े हैं वो नहीं कटे क्योंकि बारिश बार ज़्यादा हुई है तो उसका पानी शायद अभी भरा है तो खेत में काफ़ी नमी है और नमी की वजह से जो है जो गाड़ी है मशीन उसका जो पहिया है ना वो पहिया धस रहा है उसमें खेत में। तो इसकी वजह से वो लोगों ने बोला है कि आज मतलब पैसे से पूरे दे दिए हैं लेकिन काटा एक ही टुकड़ा है मतलब एक ही हिस्सा काटा है वन फोर्थ काटा है और बाकी जो हिस्सा है वो सारा किसी और दिन मतलब कल या परसों में कटेगा। तो अगर घर पे रहा तो आएंगे नहीं तो फिर भैया ही आएंगे लेके। तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर से हम लोग क्या कर रहे थे। जैसे यहाँ पे गाड़ी लेके यहाँ पर जो है ये गाड़ी में हम लोग डाल रहे हैं पैरा। हमारे खेत का जो पैरा है वो तो खेत में गाड़ के फैल गया
और पूरा खेत काटा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, लेकिन यहाँ का जो पैरा है वो हम लोग ला के गाड़ी में डाल दिए हैं और इसको घर लेके जा रहे हैं। तो उसको ऊपर मैं चढ़ चढ़ के ऊपर से काट रहा हूँ, मतलब दबा रहा हूँ उसको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैरा यहाँ पे आ सके। ये रही, ये सब भर दिया हमने। अभी इस साइड में दरार है, थोड़ा सा पैरा यहाँ जाएगा, ये पूरा का पूरा भर लेंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे। तो एक बार दिखाता हूँ आपको ऊपर से यहाँ का नज़ारा, ये देखिए। दोस्तों यहाँ का हो गया काम पूरा, पैरा वगैरह जितना था सब गाड़ी में भर लिया है, चलते हैं घर। और इस वीडियो को भी यही एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, बाय।